हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही मोबाइल में दो टिकटॉक के अकाउंट एक साथ कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर मैं वीडियो एक बार पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने दूसरा तरीका बताया था और इसमें भी बहुत ही अमेजिंग तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे आप एक ही मोबाइल में दो टिकटॉक के अकाउंट यूज कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है ऐप क्लोनर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन को खोल लेना है, तो सब एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर शो कर जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि टिकटॉक देखना है, हमारा टिकटॉक कहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर हम टिकटॉक सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और देखते हैं कि हमारा टिकटॉक, देख सकते हैं ये अकाउंट है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं। अगर आपको इसका नाम चेंज करना चाहो तो यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जहाँ पर लिखा है टिकटॉक, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। और कितने क्लोन बनाना चाहते हो, एक बनाना चाहते हो, दो बनाना चाहते हो, जितने चाहो उतने अकाउंट चला सकते हो। मैं खाली यहाँ पर एक बनाना चाहता हूँ। चेंज आइकन कलर पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसका कलर भी हम कुछ भी बाई डिफॉल्ट कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये कलर यहाँ पर कर देते हैं इसका, ठीक है। और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको करना क्या है, ओह सॉरी कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए रुकिए, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अब चेंज है। और इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसका हम चलिए नाम भी यहाँ पर, चलिए ओके यहाँ पर सीधे कर ही लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये क्लोन यहाँ का इसका बनने लगेगा, ठीक है। सिंपल आपको इसका क्लोन ऐसे बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर ये 100 होने के बाद ये सिंपली आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पूरा होने देते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अननोन सोर्स का जो ऑप्शन होता है उसे हमें ऑन करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑन कर देते हैं, इसे बैक आ जाते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और अननोन सोर्स वाला ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। अब सिंपली यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा टिकटॉक का अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ही मोबाइल में दो टिकटॉक के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारे अलग अलग नंबर से हों, या दो या तीन कितने भी अकाउंट यहाँ पर एक साथ चला सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो टिकटॉक के आइकन बन के आ गए हैं इस तरह से। अब आपको सिंपली करना क्या है कि जो हमारा दूसरा अकाउंट है, इसमें तो हमने यहाँ पर एक अकाउंट अपना पहले से ऑलरेडी खोल के रखा है जो हमारा पर्सनल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये वाला अकाउंट हमारा ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बैक। अब उसमें भी हमें अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, एक दूसरे अकाउंट को, ठीक है। तो इस तरह से हम बैक आ जाते हैं और चलिए इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा पूरी तरह से वर्क करेगा और इसमें हम दूसरा अकाउंट अपना खोल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है कि मी वाले ऑप्शन पर जाना है इस तरह से, ठीक है। और आपका जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है, तो जिस नंबर से या जिस जीमेल से आपने अकाउंट बनाया था वो यहाँ पर आप सिंपली उसे लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपली आप उसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है, साइन अप नहीं करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूज फोन और ईमेल, ठीक है, इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डालकर उस अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ऑन कर लेते हैं उसे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने दूसरा अकाउंट इसमें ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मी वाले सेक्शन में जाते हैं और दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये दूसरा अकाउंट है, ठीक है। अब सिंपली आपको बारी बारी से दोनों अकाउंट हम दिखा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वही वाला आपने बदल दिया, तो देख सकते हैं ये दोनों टिकटॉक अकाउंट है। अब इस वाले पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस वाले पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर मी वाले सेक्शन पे गए, आप नाम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वाले पे क्लिक किया, ठीक है,
मी वाले पे गए और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, दोनों अकाउंट बिल्कुल अलग अलग हैं और एक ही फ़ोन में यहाँ पर चालू हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दो तीन चार जितने भी आपके अकाउंट हैं आप एक ही फ़ोन में रन कर सकते हैं, अलग अलग उसमें वीडियो डाल सकते हैं और अलग अलग से उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब तो आपको वीडियो पसंद आ ही गया होगा, तो इसे लाइक कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन पर जरूर कर लें। धन्यवाद।